वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूँ नीलम। तो आजकल कोरोना की जो दहशत है कोरोना वायरस के, वो पूरे वर्ल्ड पे है और सबके फेस पे ये बिल्कुल साफ दिखाई देती है। कोरोना वायरस से बचने के बस सिंपल से उपाय हैं कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे रहिए, बाहर कम जाइए, जितना हो सके अपने हैंड को वॉश करते रहिए। थोड़ी सी भी अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, भीड़ भाड़ के इलाके पे नहीं जाइए। घर में भी अगर आप रहते हैं तो डिस्टेंस बना के रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बाहर के लोग जो आते हैं उनसे बचिए, घर में कोई बाहर के लोग ना आ पाए। साग सब्जियां या फ्रूट लेके आते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो पॉलिथीन आप लाते हैं उसको बाहर ही रख दें। सब्जियों को अच्छी तरह धोइए, फ्रूट को अच्छी तरह आप वॉश कीजिए, ठंडी चीज़ें खाने से बचिए, और पानी जो है वो गर्म करके ही आप पीजिए। गरारे करते रहिए, इससे क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो कोरोना वायरस है ऐसा हुआ है कि 4 दिन तक हमारे गले में रहता है, उसके बाद ही ये इन करता है। तो अगर गरारे की जाए तो इससे ये जो कोरोना वायरस है ये मर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप प्रिकॉशन समय लेने हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जितना हो सके प्लीज़ आप घर में रहिए, क्योंकि बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जो हमारे पीएम मोदी हैं हम उनको सपोर्ट करते रहें। तो ये तो हमारे कोरोना वायरस के लिए बातें थी। अब बातें मैं करूँगी कि आज नवरात्रि है, और आपको पता है कि नवरात्रि में बाहर के अगर आप देख रहे होंगे तो दुकानें बिल्कुल बंद है, ख़ासतौर से खाने पीने वाले स्वीट्स की भी दुकानें बंद है, और माता रानी को भोग लगाए, जहाँ तक जानते हुए कि पेड़े के भोग लगाए जाते हैं। तो पेड़ा घर पे हम इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आगे वीडियोस में ये आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए कि घर पे पेड़े बनाना मार्केट से भी अच्छा, कितना अच्छा हम घर पे बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो छोटी सी जो घंटी है उसको प्रेस कर देना है, ताकि वीडियो जो है आपको इसका नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं कि दूध के पेड़े हम कैसे बनाते हैं, खासतौर से माता रानी के प्रसाद के लिए मैंने इसको बनाया है। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। हाँ देखिए, मैंने पेड़े बनाए, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने टेस्टी और मार्केट से भी अच्छे लग रहे हैं ये, क्योंकि ये 100% प्योर है। और इस तरह मैंने यहाँ पे 2 kg दूध का बनाया है। तो अगर आप जितना चाहे दूध आप उस क्वांटिटी में बना सकती हैं, क्योंकि आप ये डिपेंड कीजिए कि डिपेंड करता है आप पे कि आप पेड़े कितना बनाना चाहते हैं। मैंने 2 kg दूध लिया था और इसको अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया है। अगर आप ये पेड़े जो हैं हम स्टील के बर्तन में अगर बनाते हैं तो कंटिन्यू चलाना होता है, नहीं तो ये इसकी तल्ली में दूध चिपकने लगता है। अगर हो तो अल्मीनियम के बर्तन पे ये ज़्यादा बेटर बनता है, क्योंकि ये चिपकता नहीं है। तो अभी दूध एक्चुअली ज़्यादा थे और कढ़ाई जो है उसमें उबलता अगर दूध तो नीचे गिर जाता है, इसलिए मैं जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा तो कढ़ाई में मैं डाल दूंगी। तो अभी इसको थोड़ा सा दूध जब गाढ़ा हो जाए राबड़ी की तरह तो ही इसको हम उसमें डालेंगे। तो इसी तरह इसको कंटिन्यू बिल्कुल फुल फ्लेम पे आप चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम फुल फ्लेम इसी तरह करके कंटिन्यू आपको चलाना है। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको कंटिन्यू चलाना है, और जब तक दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए तब तक आप इसको मीडियम फ्लेम ही रखिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम रखने से क्या होता है कि दूध जो है हमारा जलेगा नहीं, तली में सटेगा नहीं, और धीरे धीरे करके गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक लगातार इस तरह हम चला नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्या होगा कि किचन में आप करती रहे काम, थोड़ा सा याद भूल भी गया तो कोई बात नहीं, आके हम बाद में चला लेंगे। और इसे कंटिन्यू ही आप चलाती रहे थोड़ा थोड़ा देर देखने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अब दूध की क्वांटिटी कम हो गई थी और इजी तरीके से कढ़ाई में जो होता है वो चिपकता नहीं है, तो इसलिए इसको कढ़ाई में इस तरह हम चलाएंगे, क्योंकि स्टील के बर्तन में अब ये चिपकने लगा था। तो इस तरह हम देखिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम मैंने किया है, और इस तरह आप देख रहे हैं रुक रुक के दूध में बॉयल आ रहा है। देखिए दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, और इस तरह इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो मलाई जम गई थी धीरे धीरे दूध अब गाढ़ा हो रहा है इस तरह। अब इसको क्या करेंगे कि अब इसको बिना रुके कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अगर आपके भी इस तरह हो जाए और इस तरह मिक्स करने के बाद भी अगर आपके मिक्स, सिंपल से उपाय आपको करना है दूध को थोड़ा सा ठंडा करके और मिक्सी में डाल के एक बार इसको ग्राइंड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें जो लम्ब्स पड़ गए थे वो बिल्कुल चिकने हो जाएंगे, और अगर आपका इस तरह से मेल्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए दूध की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। अब ये दूध अगर अभी आप छोड़ेंगे चलाना तो ये जल भी सकता है, इसलिए इसको कंटिन्यू देखिए मैंने मीडियम फ्लेम किया है और इसे कंटिन्यू हम इसी तरह चलाते रहेंगे। ये देखिए तो धीरे धीरे दूध जो हमारा है आप देख रहे हैं खोए में बदल रहा, और इसी तरह आपको कंटिन्यू इसको चलाते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल ठीक ना हो जाए। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब इसमें हम शुगर या शुगर पाउडर जो भी जिस चीज़ में आप बनाना चाहती हैं वो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए
अब हमारा जो खोया है वो लगभग बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम ही शुगर सिर्फ ऐड किया है, क्योंकि घर की जो पेड़े हैं उसको मैं थोड़ा सा कम मीठा बना रही हूँ, और अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहती हैं तो इसमें आप शुगर और ऐड कर सकती हैं। अब इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं इसी तरह, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप छोड़ेंगी तो अब तो शुगर डालने के बाद ये तली में और ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसी तरह, जबकि हमारा जो खोया है वो कढ़ाई छोड़ने ना लगे। ये देखिए, अब इसको हम छोड़ देंगे, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होने के बाद वो कुछ इस तरह हो गया था तो मैंने इसे मिला लिया, ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर इसको आप इस तरह छन्नी की हेल्प से इस तरह इसको मिला लीजिए, उसके बाद आप इसको हाथ से भी मिला लीजिए। इसको इसमें थोड़ा सा दूध या घी डाल के आप इसको एक डो की तरह बना लीजिए। तो ये देखिए, अभी हाथ से मैं कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो हो जा रहा है। अगर आपका थोड़ा सा हार्ड हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा घी आप ऐड कर सकती हैं और इसका एक डो बना लेंगे। तो ये देखिए, इसका डो बना लिया है मैंने। अब इसको मैं छोटे छोटे से पेड़े बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है बादाम कट किया हुआ, और इस तरह अपने साइज़ के पेड़े बना सकती हैं, छोटे या बड़े कर सकती हैं। इसके ऊपर इस तरह इसको ऐड करेंगे और रखेंगे। इसी तरह के करके सारे पेड़े हम बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह के करके सारे पेड़ बना लेंगे। साइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाएंगे, इसका हम थोड़ा मीडियम साइज़ का ही बनाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना टेस्टी लग रहा है ये। तो ये आपका आपका टेस्टी पेड़ा बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसको दूसरे प्लेट में हम डेकोरेट कर लेंगे, ताकि इसको हम थोड़ा सा इसके अच्छे से पीक ले सकें, ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो यहाँ देखिए, वाह कितना टेस्टी लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। अगर इसकी क्वांटिटी ले जाए तो ये आधा केजी से ज़्यादा वजन आएगा इसका, और ये 1 केजी से थोड़ा बहुत ही कम है, और क्योंकि इसके साइज़ थोड़े से बड़े हैं। तो ये आपका टेस्टी पेड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। आपने देखा कि कितना सिंपल है इसको बनाना, बहुत ईजी है, और घर पे हम इसे बना सकते हैं। तो फिर बाजार से हम क्यों लेके आए, क्यों नहीं इसे हम घर पे बनाएं। तो चलिए, आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो आज ही इसे आप बना सकती हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, इसी तरह नए यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके फिर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Bye, take care.